उनसे हमको आखिरी बात 23 तारीख को हुई थी। ये बहुत दुखद घटना है ये, और उनकी पत्नी बेहोश हो जा रही है। इनको जरा सा, इनको संभालिए, संभालिए इनको जरा सा, और संभालिए, थोड़ा संभालिए इनको। बोलता है कि आत्महत्या है, तो जो बोल रहा है उसको बुलाइए, उसको कुर्सी पर बैठा कर मैं लटकाती हूँ कि तू कुर्सी पर बैठ कर लटक के दिखा मेरे को, कुर्सी पर बैठ कर लटक के दिखा। तो 2 महीना से बोलता था कि हमारा जैसे गुटबर्दी करी थे तू पापा। अभी मैं औरंगाबाद के जाने माने शिक्षक शंभू सर के घर पे हूँ, और मैं वहाँ से पूरी आपको वीडियो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर क्या है सच्चाई, शंभू सर की कब इनसे बात हुई थी, और पूरी सच्चाई मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा आप लोग, और वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा, इसके बाद हमें कमेंट जरूर करके बताएँ कि आखिर इसमें सच्चाई क्या है। सो मैं यहाँ से सब लोगों से, यहाँ के घर के लोगों से, बाहर के लोगों से, सबसे मैं बात करने की कोशिश करूँगा। और मैं अभी शंभू सर के पैतृक घर झारखंड में हूँ, और वहाँ से मैं सारी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि वीडियो में आप बने रहिए हमेशा। और ये उनका घर है, और ये उनकी माता जी हैं। तो माता जी, आप शंभू सर के कौन हैं? माँ ही। जब ये मामला हुआ उससे पहले उनसे बात हुई थी आपकी? अरे शनिचर के शाम के गेले बाबू ना दे थली चाबी। अच्छा। जनला शनिचर के शाम के गेल है। अच्छा, इतवार के कल गिरा जो बाबू रह जा लिया, इतवार के गिरा जो सोमार के जाई है। अच्छा। मैं से चाबी छीन के चल गया। उसके पहले जब वो आप आए थे घर पे, तो उनको ऐसा नहीं, कुछ ऐसा बात तो नहीं बोलना बाबू? कुछ ना, कुछ न कम ये ना लाई, कोई ऐसा दिमागो ना लाई, कुछ ऐसा कुछ बात नहीं था, कुछ बात ना ली बेटा, झूठ ना बोल बाबा। हम लोग बताएंगे, हम लोग से शेयर करता। और इनके भाई, आपका नाम क्या? दिनेश गुप्ता नाम है मेरा। दिनेश गुप्ता जी नाम आपका ना, तो क्या क्या पूरा जो मामला जो है से बताइए आप। इसे है क्या कि मेरा जो शंभू जो भाई है, वो हर सैटरडे संडे को अपने माता पिता से मिलने आता था, लेकिन उसी क्रम में जब से जब उसको मुलाकात हमसे होता था, तो कहता था कि भैया हमको बहुत वहाँ टेंशन है। हाँ, टेंशन किस बात का है? तो वहाँ पर कुछ कोचिंग वाले लोग जो हैं वो हमसे इतना हरासमेंट हैं कि आज हमको लोग कहता कि औरंगाबाद छोड़ दो। और एक व्यक्ति का तो बहुत ज़्यादा नाम लेता था, वो है बबलू फिजिक्स। अच्छा। और उसको भी हम कहते थे कि अगर ऐसा तनाव है तो तुम हरिंज में आ जाओ, लेकिन वो थोड़ा स्वाभिमानी टाइप का लड़का था और एक शिक्षक था, तो शिक्षक के नाते कहता था कि भैया उन लोग के धमकी से और उन लोग के मानसिक प्रताड़ना से क्या हम इतना बुजदिल हैं कि बच्चे लोग का भविष्य वहाँ पर जो हम बना रहे हैं और उन लोग को छोड़ के हम अपने गांव और घर आ जाएं, ऐसा हमसे नहीं हो सकता। बबलू सर का हमने देखा था स्टेटमेंट जो कि उन्होंने बोला कि वो खुद फांसी लगा करके अपने आत्महत्या। बबलू सर क्या बोलेंगे? बबलू सर तो यही ना बोलेंगे, लेकिन जो सच्चाई है ये हम आपको बता रहे, अपने परिवारजन से हम लोग से बात को शेयर करता था कि औरंगाबाद में भैया हमको ये जो बात होती थी पहले से कि हमें लोग, कुछ लोग ट्रोल कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं वहाँ पे, मानसिक प्रताड़ित बराबर करता था लोग, और एक गुटबाजी के तहत में इसको हत्या कर दिया गया है। एक कोचिंग जो है शंभू का, आप भी जानते हैं, यहाँ का पूरा औरंगाबाद शहर के जाने माने हस्ती लोग जानते हैं, उनके यहाँ तक कि टाउन थाना के 2 महिला कांस्टेबल भी थी उनकी स्टूडेंट, उस सब लोग जो समाचार सुने वो हतप्रभ है, कहते कि ऐसा अगर था तो हम लोग को सर क्यों नहीं बताए। लेकिन सर ऐसा थे कि अपना तकलीफ दूसरा को शेयर नहीं करते थे, अपने आप में रखते थे, लेकिन यहाँ जब आते थे वो हमसे बराबर बैठ के कहते थे कि भैया हमको तो बहुत गुटबाजी के तहत हमको प्रताड़ित किया जा रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें से। अभी इतना उसको हम बोलते थे कि घर आ जाओ, लेकिन यही कहता था कि हम बुजदिल नहीं हैं भैया, हम शिक्षा जगत में हैं, अलख जगा रहे हैं, बिहार झारखंड से जाकर बिहार में जा रहे, हमको बहुत मान सम्मान है, अच्छा स्टूडेंट है, लेकिन बहुत लोग के आँख का कागजल बन चुका था, बहुत लोग इससे हरासमेंट थे उनका, जैसे व्यवसाय हर चीज़ का होता है, शिक्षा का भी अपना था, तो जो इनके प्रतिद्वंदी जो अपने आप को समझते थे कि शंभू सर से हमको बहुत नुकसान है, तो वो इस तरह का कार्य करने में सफल हो गए, जो मेरा भाई आज इस धरती पर नहीं है। और हम लोग हत्या जो किया है लोग, हम वहाँ के स्थानीय एसपी साहब से भी हम लोग मिला, एसडीपीओ साहब से भी मिला, वहाँ इंस्पेक्टर साहब से भी मिला, सब लोग हत्या के बिंदु पर ही जांच कर रहे हैं, और हमको हत्या का परिणाम शंभू सर के अति पक्ष में आना चाहिए, जो हत्यारे हैं। अभी तक हमको थोड़ा सा अफसोस इस बात का है कि 23 तारीख को घटना घटा, 24 को हम लोग
दाह संस्कार करने के बाद वहाँ FIR दर्ज किया, बाइन नेम्ड किया, अभी तक हत्यारों लोग को गिरफ्तार वहाँ के प्रशासन क्यों नहीं किया? अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई कि नहीं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट परसों तक का हम लोग जब संपर्क में थे तो नहीं आया था, आज की बात हम नहीं जानते हैं, लेकिन कल परसों तक पोस्टमार्टम का कहा गया कि अभी तक नहीं आया। लेकिन हाँ, जो केस का IO है राजीव जितेंद्र सर, उन्होंने बोला था कि हम जाएंगे हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल में हम पता करेंगे। तो आज हम लोग खुद औरंगाबाद जा रहे हैं, इसलिए कि FSL का टीम पटना से आ रही है, इंस्पेक्टर साहब का सुबह में हमारे से बात हुई और हम लोग जा रहे हैं। FSL का टीम जब आएगी तो फिर हम लोग पता करेंगे कि जाँच क्या आया आपका। लेकिन मेरा कहना है जाँच अपनी जगह पर है, जब बाई नेम्ड हमने FIR किया तो उन आपने जब नेम बाई नेम FIR किया है तो बाई नेम उन्हीं लोग पे जांच बैठेगी ना? अरे जांच बैठे को बात की बात है, वो जांच आने बाद कोर्ट का फैसला होगा। पहला तो वहाँ के स्थानीय प्रशासन को ये होना चाहिए था, जो पीड़ित व्यक्ति है, जो मृत व्यक्ति के जो जन परिवार हैं, उनके जो अपने सगे संबंधी हैं, जब बाई नेम्ड हमने FIR किया तो हमको तो अभियुक्त का गिरफ्तारी चाहिए, और जब तक गिरफ्तार नहीं होंगे वो बताएंगे कैसे मामला क्या है। जांच ठीक है, फॉरेंसिक का बाद में आएगा, जांच पोस्टमार्टम का जांच बाद में आएगा, वो जांच बाद की बात है, उसका तो फैसला नहीं। हमने वहाँ पे पूछा था तो हमें जहाँ तक जानकारी मिली, बोला गया कि जो बबलू सर हैं उनका फोन का कॉल डिटेल्स निकाला जा रहा है। नहीं ना, वो सब हम लोग शंभू सर का मोबाइल दे दिया है, इंस्पेक्टर साहब भी बोले कि हम इसका CDR एक दो महीना पहले का निकालेंगे। तो सर वो ठीक है, प्रशासन का मामला है ना, वो प्रशासन अपने तरीका से करे, हम प्रशासन से मेरा कोई शिकायत नहीं है। लेकिन दुख इस बात का है, हम लोग भी जानते हैं कायदा कानून नियम, लेकिन जब बैलेंड हमने कर दिया आपके विरोध में, उसको गिरफ्तारी होना चाहिए। जो अफसोस है कि अभी तक वहाँ के प्रशासन गिरफ्तारी नहीं, उन लोगों का कहना है कोई सबूत नहीं उनके पास, ऐसे ही सबूत अभी कैसे आप जान पाएंगे, सबूत अभी आप कैसे जान पाएंगे? आरोप है, मैं बता रहा हूँ। आप कौन है? हम बड़े भाई। आप उनके बड़े भाई? क्या कुछ मामला था पहले जब वो आए थे यहाँ पर, तो उनसे क्या कुछ बातचीत ऐसी हुई थी? हमसे बात हुई थी। क्या बात हुई थी? बात होती थी कि वहाँ देखिए भैया, वहाँ पर हमको अब रहने नहीं देगा लोग, हमको बार बार यही कहता है गुटबाजी के तहत। सारा पहले तो बच्चे लोग को खींच लिया, सारे बच्चे को खींच लिया, और खींचने के बाद कहता है कि तुम्हारा खेला ख़त्म हुआ है, यहाँ से बुढ़िया बिस्तरा बांधो और यहाँ जाओ। तो उसके पास पहले 500-600 के संख्या में बच्चे रहते थे, आज के स्थिति ऐसा है कि 50-60 बच्चे थे। तो हम बोले कि बाबू घबराने से काम नहीं होगा, बच्चे बढ़ेंगे, तुम जैसे उन लोग गुटबाजी के तहत तुमने बच्चे को फोड़ करके खींच करके और तुमको बार बार ही टॉर्चर कर रहे हैं कि तुम यहाँ से छोड़ कर को, उस उन लोग को फिर ये लग रहा था कि फिर से बच्चे आएंगे, क्योंकि लॉकडाउन का माहौल था। ठीक है ना, लॉकडाउन में वो चुप्पे चोरी पढ़ाते थे और बच्चे को खींचने का काम करते थे, और इनका कोचिंग जो था सर थाना के जस्ट सामने था, तो ये कोचिंग तो पूर्ण रूप से शटर गिरा हुआ था, और ये लोग उधर जो भी बच्चे को मैंने प्रेरित करके चाहे जैसे रूप से और करके इन लोग कहा कि तुम्हारा काम खत्म हो गया, तुम यहाँ से निकलो, नहीं तो फिर से अगर पैर जमाने की कोशिश करोगे तो फिर परिणाम सोच लेना। इस तरह की बात उनके साथ हुई थी? आपसे शेयर कर देते ये था, हम इतना मामला तक नहीं पहुंचे थे, हम सोचे कि प्रतिद्वंदी हर कोई होता है, हमारा भी दुकान है, हमारा दुकान के बगल में कोई सेम दुकान खोल देगा तो थोड़ा बहुत फर्क पड़े, लेकिन हम मजबूत रहेंगे तो कैसे फर्क पड़ जाएगा। सही बात है, मजबूत से मजबूत तो प्रयास तो हम करेंगे ना, क्यों बगल में कोई दुकान मेरा सेम दुकान खोलेगा तो मैं प्रयास करूंगा। तो वही बोलते थे कि बाबू देखो, दुकान एक सेम खुल जाने से या दुकान सेम प्रतिद्वंदी रहने से होते रहता है, लेकिन इसे हताश मत हो, हम समझाया करते थे उसको। और देखिए होता क्या है कि हम लोग तीन भाई हैं, एक औरंगाबाद रहता था, एक यहाँ है, हम एक संडा रहते हैं, तीनों में जब शनिवार को आता था, संडे को, हर एक संडे को आता था, उसी समय मौखिक दो चार बात हुई तो हुई और कभी भेंट हुआ कभी नहीं हुआ, सब कोई अपने अपने कमा खा रहे थे, सुखी जी रहा था आदमी, वो भी अपना कमा के बीवी बच्चों के साथ रह रहा था, हम भी अपना कमा के लोग वहाँ पे उनके पास ये मीडिया की तरफ से ये लोग कह रहे थे वहाँ पे कि उनकी आर्थिक तंगी के चलते ना, ये आर्थिक तंगी का जो मामला है, हम देखिए हम पत्रकार लोग को बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए कि हम यहाँ पे हम भाजपा से बिलोंग्स करते हैं और पत्रकार लोग के बीच में ही, इसमें पार्टी बेसिस का कोई बात नहीं है इसमें, पार्टी बेसिस, लेकिन हम पत्रकार लोग का सम्मान इसलिए करते हैं कि हम लोग को वास्ता रहता है पत्रकार लोग से। लेकिन कुछ पत्रकार वैसे हैं जिन पर मेरा सवाल खड़ा है, आप जैसे आप कैसे हैं औरंगाबाद से चल के कि आप परिवार से सही जो बात हो जानकारी मिले और आम पब्लिक के बीच में आप उसको टेलीकास्ट करें, तो
तो उस तरह से जो जो वहाँ के स्थानीय जो पत्रकार बंधु थे उनको भी चाहिए था। आप किस आधार पर आपने बोल दिया कि शंभू सर ने आर्थिक तंगी के चलते फांसी लगा लिया? आप क्या बैकग्राउंड जानते हैं? आप जानते हैं उसके परिवार का बैकग्राउंड या प्रश्न शंभू सर का बैकग्राउंड चलते हैं आप जानते हैं? अभी चले मेरे साथ में, एफिसियल का टीम आ रही है, डीएसपी साहब और डीएम साहब सब अभी आएंगे। गोदरेज खुलेगा, अगर 1.5 लाख से ऊपर अगर कैश नहीं निकलेगा तो हम लोग तो वहीं पर आत्महत्या कर लेंगे। ये मेरा चैलेंज है। क्यों पत्रकार लोग इस तरह का निकालते हैं वहाँ के कुछ लोग? हम आप पर सवाल नहीं कर रहे हैं, कुछ पत्रकार। सही बात, सही बात। आपका कहना सही है कि आर्थिक तंगी के चलते ये जो रूमर फैला रहे हैं कि आर्थिक तंगी के चलते उनका जमीन खरीद के लिए इन्होंने औरंगाबाद में 2-2.5 लाख रुपए एडवांस पैसा दिया। 3-4 जगह इनका बैंक में अकाउंट है। अभी आरडी चलता है तत्काल, 1-9 हजार का, 1-1500 रुपए का मंथली। किस बात का आर्थिक तंगी का आर्थिक तंगी का परिभाषा क्या है हमको वहाँ के पत्रकार बता दे जो बोले कि आर्थिक तंगी के चलते शंभू सर का थी हुआ, क्या परिभाषा वो जानते हैं? कहीं ना कहीं ये तो गलत है और जो भी बात है सब तो सच्चाई अब तो आ नहीं आ रही है। और आज जो भी आप बता रहे हैं एफएसएल की टीम आ रही है, तो आप वहाँ पे जा रहे हैं? एकदम जा रहे हैं, अभी हम लोग तुरंत निकल रहे हैं। आप आ गए तो आपके चलते हम रुके। मैं चाहूँगा थोड़ा सा इधर दिखाया जाए, देखिए इनके जो शंभू सर के बच्चे लोग हैं। आपके पापा से बात हुई थी? नहीं हुई थी। अच्छा, और ये बच्चे हैं उनके, हम चलेंगे थोड़ा सा घर में, इनके पिताजी से बात करेंगे। और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है हमें कि आज एक शंभू सर जो थे उनकी पत्नी यहाँ पे हैं। कितनी किस अवस्था में आप खुद देख सकते हैं, आप दिखाने की कोशिश करेंगे। उनसे आपकी आखिरी बात कब हुई थी? उनसे हमको आखिरी बात 23 तारीख को हुई थी। 23 तारीख को हुई थी, क्या उन्होंने कुछ ऐसा कहा था कि हमें कुछ लोग प्रताड़ित कर रहे हैं? वो तो हर समय घर में आते थे तो यही बात बोलते थे कि देखो ना बाबलू सर है से हमको बार बार टॉर्चर करते हैं और बोलते हैं कि से यहाँ मत रहो और यहाँ से बोरिया बिस्तर बांधो जाओ, अब यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं, नहीं तो आगे का तुम्हारा जो भी होगा से हटा दिया जाएगा। आखिरी बार उन्होंने यही बात हर समय यही बात बोलते थे या फिर आखिरी मतलब 23 तारीख के पहले बात बोले थी? हर समय जब से लॉकडाउन खुला था तब से यही बात बोलते थे। आप कौन हैं? खड़ा हो जरा साहब, आपसे उनकी बात होती थी? सर वो आते थे, मिलते थे, वो बोलते भी थे कि भाभी का करें हम, देखिए ना सब तो बबलू सर है, भरत सर है, गुटबाजी कर कर के सब हमारा मतलब बच्चा लोग को फोड़ते रहते हैं, हमेशा यही बोलते रहते हैं, सबसे अफवाह उड़ाते हैं कि वो। देखिए बहुत दुखद घटना है ये और उनकी पत्नी बेहोश हो जा रही है, इनको जरा सा इनको संभालिए, संभालिए इनको जरा सा, और संभालिए थोड़ा, संभालिए इनको। बाजी करते हैं, बच्चे लोग को भड़काते रहते, कहते हैं कि शंभू सर का तो दिमाग खराब हो गया, वो क्या पढ़ाएंगे। ये इस तरह का आरोप लग रहा है इनके ऊपर कि देख सकते हैं आप इनके जो घर की स्थिति है ये, और मैं हमें ऐसा नहीं लगता है कि इनके घर की आर्थिक स्थिति के तंगी क्या करके ये ऐसा कदम उठाएं, हमें ऐसा नहीं लगता है, कहीं ना कहीं कोई साजिश है इसके तहत इनको इनको आत्महत्या करने पर मजबूर किया गया। मेंटली टॉर्चर बहुत बबलू सर भरत सर मिलकर बहुत करते थे, दूसरे से करवाते थे। 4 आदमी इनको आकर के बोलता था, बयान दिए हैं एक YouTube वीडियो में कि हम उनको दूर दूर तक नहीं जानते थे, ऐसा हो सकता है उनसे बात हुआ, बच्चा पूछे, बच्चा पूछे, ये झूठ बोलेगा क्या? बाबू बात हुई थी उनसे? हाँ, ये बच्चा झूठ नहीं बोल सकते। बबलू सर को पहचानते हो? नहीं, उनके घर गए हैं। लेकिन गए हैं आप तो ये बात को वो कर रहे हैं कि हम उनको कहीं जानते नहीं। देखिए आप भी जानते हैं कि औरंगाबाद का आम जनता से लेके पूरे छात्र छात्राएं तक जब शंभू सर को जानते हैं, शंभू सर इतना विख्यात सुप्रसिद्ध अंग्रेजी शिक्षक, इसमें तो कोई शक नहीं है, जो 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 उसी लाइन में है सर, नहीं पहचाने उसी लाइन में सर, ये कैसे कह देना है कि हम शंभू सर को दूर दूर तक न जानते न पहचानते हैं? कितनी भद्दा मजाक है, और मृत आत्मा को बबलू सर बोल के कितना और चोट पहुंचाएंगे, तो जिंदा में चोट पहुंचाए, मरने के बाद भी चोट पहुंचा रहे, हमको पहचानते तक नहीं है, कैसे बबलू सर का दिल है? प्रशासन क्यों नहीं इनको पकड़ के पूछ रही है, क्यों नहीं अभी तक उनको गिरफ्तार किया गया है?
बबलू सर जैसा झूठा और बबलू सर जैसा हत्यारा शिक्षा जगत में ना कोई हो, यही हम ईश्वर से कामना करेंगे। ऐसे लोग कलंकित कर देंगे शिक्षा विभाग को। ये हत्यारा है, हत्यारा बबलू सर शिक्षा जगत को कलंकित कर देगा। इतना साफ सुथरा, दिल का नेक और साफ सुथरा ईमानदार शिक्षक को, अगर शिक्षक को सही बात है कि नहीं जानते हैं ये कितनी बड़ी भद्दा मजाक है। यह है कि आर्थिक तंगी बता करके, आर्थिक तंगी से जो जूझ रहा होगा, 20,000-25,000 का हरियरगंज में अभी भी जाइए, आरडी चलाएगा, दो अढ़ाई लाख रुपए जमीन का एडवांस, साली का शादी था, दोनों बच्चा का कोट पैंट लिया अपना, उसका जैकेट खुद वहाँ पड़ा हुआ है रूम में, 10,000 पत्नी को नकद दे के भेजा कि तुम वहाँ का और खर्चा करना हो, हम पीछे से आएंगे। आर्थिक तंगी का परिभाषा क्या होता है भैया, क्या परिभाषा होता है? ये तो गलत बात है कि अगर किसी का आत्महत्या होता है तो उसके आर्थिक तंगी देकर, नाम देकर के उनको ये किया जाता है, तो गलत बात है। मैं इससे आहत हूँ, किसी भी मीडिया को इस तरह का बात नहीं करना चाहिए। मैं परिवार से मिलिए कि आर्थिक तंगी या अगल बगल बैकग्राउंड उसका पता कीजिए। मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ कि सच्चाई को तह तक जाने। आखिर वहाँ पर बात, लोग आपकी बात में भी, आपका भी मैं स्टेटमेंट देखा थोड़ा सा, लेकिन आपको थोड़ी सी बात को दिखा करके लोग काट दिया गया उसको बात को वहाँ पे, तो मैं सोचा कि घर पे जाता हूँ उनका। आपकी पहल कितनी अच्छी है, देखिए जो भी पत्रकार रहते हैं निष्पक्ष होना चाहिए, और कहीं एक पक्ष का लिए तो मेरा डायरेक्ट कहना है कि रुपया से बिक गए। इसलिए कि हमने जो बोलना चाहा उन लोग हमको काट दिया था, और हम बोलते हैं जैसे आप अभी फ्री माइंड होकर कैसे हमसे पूछ रहे हैं, और फ्री माइंड होकर हम आपसे निर्भीक होकर बात कर रहे हैं, लेकिन हाँ जो सच्चाई है हमको झूठ से, हम लोग पूरी सच्चाई दिखाने का काम करेंगे, और आज तक हम जितना भी दिखाए सच्चाई दिखाएंगे। देख हम भैया आपको ये भी कह रहे हैं, हम लोग हरियरंज का प्रतिष्ठित हैं। दोनों सर, बबलू फिजिक्स और भरत सर, दोनों सर बच्चा लोगों के प्रति उनको मेंटली टॉर्चर इतना किए हैं ना कि हम हमेशा मतलब बोलते थे कि मेंटली बताते हैं 85% सर्टिफिकेट का एसपी जी के एसपी साहब पास सर्टिफिकेट दिए हैं कि मैं 85% विकलांग हूँ। विकलांग मर्डर नहीं कर सकता है, लेकिन विकलांग मेंटली टॉर्चर कर सकता है। एक चीज और किए हैं, मेरा कहना हम वही लोग को बोलना चाहे, लेकिन वहाँ के पत्रकार मेरा नहीं बयान लिया। एक आंख से अंधा जो है, ठीक है, आंख से अंधा हम हैं, पैसा से मजबूत हैं, और हमको मन में बैठ गया कि फलना को हमको उठवा देना है, हत्या करवा देना है। उसके पास पैसा है, आंख नहीं है, पैसा से आंख भी खरीदा जाता है और हथियार भी खरीदा जाता है, और वो दोनों हत्यारा लोग यही किया। अगर विकलांग का सर्टिफिकेट का उसकी पत्नी जाके एसपी महोदय को दिया है, तो मेरा कहना है भरत सर का दिमाग और पैसा चला और मेरा भाई को हत्या करा दिया गया, और बबलू सर और ये भरत जी का पूरा 100% उन लोग का, हमको भाई का हत्या कराने में उन लोग का भूमिका है, चाहे स्वयं करे या किसी को सुपारी किलर द्वारा कराए, लेकिन हत्यारा यही लोग है। हमको इंसाफ चाहिए। अगर होती घर में किसी तरह की बात होती, शनिवार को मेरा भाई आया है, दिन भर माता पिता से बिना मिले, संडे छुट्टी का दिन या हर एक सैटरडे संडे को आना ही आना है, हर एक दिन माता पिता से भेंट करता था, हम लोग से भेंट हो या न हो, माई बाबूजी के घाटी बड़ी पूछ करके कुछ पैसा कौड़ी खाने पीने का सामान औरंगाबाद से ला करके दे करके तभी वो जाता था, संडे घर में यहाँ बिताता था। शंभू सर को आप जानते थे? शंभू सर को मैं बारीकी से तो नहीं जानता था, लेकिन मैं जानकारी थी कि वो एक शैक्षणिक संस्थान चलाते हैं। क्या आपको ऐसा लगता था कि वो आत्महत्या कर सकते थे? नहीं, किसी पहलू पे ऐसा नहीं लगता था, करने के जोग वो नहीं थे, इसलिए कि आत्महत्या करता लोग तो उनके मुंह से ब्लड निकला है, नाक से ब्लड निकला है, और आत्महत्या करता है आदमी तो मान लिया जाए कि फंदा लगाता है तो बॉडी जो है से झूलता है, ऐसा नहीं है को पैर जमीन पे रहेगा। जी कुर्सी पर बैठ कर कोई आत्महत्या कर सकता है? अगर जो बोलता है कि आत्महत्या है तो जो बोल रहा है उसको बुलाइए, उसको कुर्सी पर बैठा कर मैं लटकाती हूँ कि तू कुर्सी पर बैठ कर लटक के दिखा मेरे को, कुर्सी पर बैठ कर लटक के दिखा। एक चीज देख ला, जो भी एक मिनट देखिए, कुर्सी पर बैठ के दिखा मर के, देखिए जो सेल्फ हैंग करेगा जी। देखिए ये जो तस्वीर है मैं दिखाना चाहूँगा, इस तस्वीर को देखिए आप, जब कि फांसी के फंदे से जब कोई लटकता है आदमी तो उसके पैर ऊपर सब चीज़ ऊपर रहता है, लेकिन ये घुटने के बल ये
बैठे हुए लगता है कि फर्श टच किए हुए हैं ये, और इसमें इसकी जांच तो गहराई से होनी चाहिए। इसमें मफलर ऊपर से लटका हुआ है। एक चीज और देखिए, ये सबसे बड़ा देखिए, ये शरीर का बाएं साइड का ऊपर जो है जी जी, इसको कोई वजनदार हथियार चाहे जो भी हो, लोहे का हो या लकड़ी का हो, एक लकड़ी का पट्टा है वहां पे चौकी पे, उसको हड्डी तोड़ा गया है। जो बाएं साइड का जो गला है एक से डेढ़ इंच तक धंसा हुआ है। क्या जो सेल फेंक करेगा उसका एक साइड का धंसेगा कि चारों तरफ रस्सी का निशान आएगा? आपको रस्सी का निशान कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। और उसको पहले रूम में, जो पहला रूम जो है ये देखिए, ब्लड का निशान है उसके बगल वाले रूम, उसका इसके जो हैंग वाला है, हैंग के रूम के बगल में ये ब्लड का निशान है। और जब ब्लड का निशान है और दूसरे रूम में उसको हैंग किया गया है, तो कैसे इसको कहा जाएगा कि आत्महत्या है? क्यों कहा जाएगा इसको, कैसे कहा जाएगा? आप फोटो के माध्यम से देख सकते हैं कि इनका जो पोजीशन है, जो ये लगता नहीं है कि ऐसा है, बट अब तो जांच के मामले इसमें CFSL की टीम आ रही है और इसकी जांच पूरा करेगी यहाँ इसकी, कि कैसे ये मौत हुई है। और इनका जो लोगों को कहना है, ये साजिश के तहत इनको पहले से मार करके इनको लटकाया गया है, यही इनका नाम। हाँ, यही कहना है, ये हत्या करके आत्महत्या का रूप देने का अपराधी लोग प्रयास किया, लेकिन हत्या ही, हत्यारों द्वारा हत्या किया गया है। दो ऑप्शन था, एक तो सुबह से बारिश हो रही थी झमाझम, कोई एक आदमी निकल नहीं रहा था बाहर, दूसरी कि इनके घर में डेरा में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था, केवल अकेले थे और सारा रूम खुला है, सारा रूम खुला। दो बेडरूम है इनके डेरा में, दो बेडरूम का दरवाजा खुला है, किचन लैट्रिन बाथरूम का खुला है, मेन गेट का खुला है। जो हैंग करेगा, जो अगर ठीक है, अगर हमने सोच लिया कि हमको आत्महत्या कर लेना है, तो हम सेफ होकर के करेंगे, न कि हम जगाने के लिए किसी को हम करेंगे। दरवाजा खुला करके कोई सेल्फ हैंग नहीं कर सकता है, ये तो बहुत बड़ी गहरी साजिश किया गया है। लेकिन संजोग कहिए कि शंभू सर के विरोध में उस दिन ऊपर वाले भी थे कि मौसम खराब था, सारे किराएदार अपने अपने रूम के अंदर में बंद थे। अगर वही मौसम खुशनुमा रहता तो ऐसा कुकर्म करके हत्यारे लोग नहीं जा सकते थे। आप जानते थे शंभू सर? हाँ, शंभू सर जानते थे। क्या आपको ऐसा लगता है कि शंभू सर आत्महत्या कर सकते हैं? नहीं सर, शंभू सर पढ़े लिखे व्यक्ति थे और जो है कि दूसरे से जहाँ तक कि आर्थिक से भी मदद करते थे, और जिस बच्चे को पैसा नहीं रहता था उस बच्चे को जो है किसे फीस में भी डिस्काउंट करके पढ़ाते थे, ताकि उनको। चलिए, अच्छा आप जानते जी, बहुत हमारा आदमी परिवार है सर। आपका परिवार जी? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सर। हाँ, आप लोग जानते थे जी? मेरे क्लास साथी रहे वो, क्लास साथी रहे। क्या आपको ऐसा लगता है कि शंभू सर आत्महत्या कर? हम अंदर से इतना मजबूत वो आदमी थे और उनको बताया गया कि वो आत्महत्या कर लिए हैं, मैंने सुन के हम लोग को आंसू उस दिन छलक पड़ा एकदम, मतलब अंदर से हम लोग टूट गए कि हमारे साथ पढ़े हुए हैं और इतना मजबूत व्यक्ति थे, इतना कमजोर दिल का नहीं थे कि वो आत्महत्या जैसा कदम उठा सकते हैं। मैं प्रशासन से चाहूँगा कि उनके घर पे आकर के उनकी सारी बातों को ध्यान से सुने, उनकी हर एक बातों से अवगत हो और इसके बाद उसके कदम उठाएंगे। कहाँ पे उनके पिताजी? अच्छा अच्छा, और मैं उनके पिताजी से कुछ बात करता हूँ। देख सकते हैं आप बहुत ही संदिग्ध स्थिति में हैं। बैठिए। आपकी जो शंभू सर से बात हुई थी, कितने 23 तारीख पहले कब बात हुई थी? करीब ऐसे तो 2 महीना से बोलता था कि हमारा जैसे गुटबर्दी करी थे तू पापा, अब हमारा हुआ रहने दे, तू बहुत तंग करे, तू कोई पगला कह के भगा देता लेकर के से हम अब कोठी न चलब, हमारे बाजार अब खत्म हो जाते। हम कह के तब बाबू तू आओ ये कुछ काम बार करिए ना पापा, हमारे कलम के अलावा कुछ न बुझतवा, हमारा बेसी दिमाग नखवा, हम रोजगार कभी कल ही नहीं, ऐसे हमारा वहीं कहूँ एडजस्ट करेला, हमें बाबू रे नख मन लगे तो आ जाओ यहीं घर है, जैसे चलाता था पेटे भाटा चलेगा चले ही हो, मगर कहा कि वहाँ गुटबंदी कर रहा है, दूगो हमारा ज़्यादा तंग कर रहा है, एगो कौन तो कलक फिजिक्स के और एगो इंग्लिश के वो मास्टर है,
वही हमको बहुत तनहाली। बहुत ही इनका जो स्थिति है बोल पाने की स्थिति में नहीं है। फिलहाल जो ये इनका घर है मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, उनके छोटे छोटे दो बच्चे भी हैं और इनकी जो पत्नी है उनकी स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है अभी। और मैं प्रशासन से लगातार ये कहने की कोशिश करूँगा कि बहुत अच्छे से जाँच किया जाए, उनके घर तक आकर मिला जाए, ऐसी हवा में बात नहीं किया जाए। मीडिया को भी मैं कहूँगा कि उनके घर के सारी स्थिति को जाने और तब आगे कदम बढ़ाए। ऐसे किसी को ना बोलें कि आर्थिक तंगी के चलते या फिर जो भी, आप फैसला करने वाला आप नहीं होते हैं, किसी का फैसला आप नहीं कर सकते हैं कि वो आर्थिक तंगी से आत्महत्या किए हैं, क्योंकि उनके घर तक तह तक उनकी बात जब तक फैसला क्लियर नहीं होता तब तक आप किसी को ऐसा नहीं कर सकते हैं। और मैं पूरा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ये सारे लोग हैं यहाँ पे। आप जानते थे शंभू सर को? हाँ सर जानते थे। क्या आपको ऐसा लगता है कि शंभू सर आत्महत्या कर सकते? नहीं सर। उनके घर के सामने जो ये दुकान है, आप शंभू सर को जानते? हाँ सर जानते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि शंभू सर आत्महत्या कर सकते हैं? नहीं, कभी नहीं, नहीं कर सकते हैं ऐसा। बहुत शरीफ आदमी थे और व्यवहारिक आदमी। लोगों का आरोप है कि उनके साजिश के तहत आत्महत्या कराया गया? नहीं नहीं, उनको किया गया है, करने वाला किसी ने किया इस तरह से। हाँ चलिए, मैं यही कहना चाहूँगा और प्रशासन को मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ कि इस सारे तथ्यों को ध्यान में रख करके आखिरी तह तक जाना पड़ेगा, तभी इसकी सच्चाई निकलेगी, तब इसके बाद आप जो भी कार्रवाई कर रहे हैं उसमें पूरी सत्यता दिखाएं। तब मैं प्रशासन से गुहार करता हूँ इस चीज़ की। और यहाँ पे आज FSL की टीम आने वाली है औरंगाबाद में, जाँच पूरी होने वाली है और इनको न्याय मिलना चाहिए। बस मेरा कहना ये है इनको न्याय मिलना चाहिए, चाहे इसके पीछे क्या है नहीं है वो सारी बातें अब सामने आएगी जब जाँच होगी। तो तब तक के लिए देखते रहिए। सर पैसा लड़का।